तो आप
में आ जाइए। अगला है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर की तरह इसमें आपके नासिका से आवाज निकलेगी, मुंह आपका बंद रहेगा, ऐसे सांस लेते देते सांस लेना दिन तक सांस लेंगे, लेकिन उससे पहले आपके हाथों से मुद्रा देखनी है। ये दोनों अंगूठे से आप अपने दोनों कानों की तरह से बंद करने की कोशिश करिए। और बीच की तीन उंगली आपके आंखों के ऊपर हल्के से दबाइए, कष्ट नहीं दबाना है। तो तर्जनी को ऐसे माथे पे रखिए, ये तर्जनी जो है उसको माथे पे रखिए, नासिका से श्वास अंदर भरने आपको और मुंह बंद करके धीरे धीरे भ्रमर की तरह नासिका से श्वास करते हुए आवाज निकालिए। मुंह से आवाज नहीं निकलेगा, नाक से मुंह के दो देखिए, फिर श्वास करिए। अपने हाथों को रगड़िए दोनों हथेलियों से, अच्छे से रगड़िए, गर्भाहट आनी चाहिए। फिर हल्के हाथों से अपने आंखों को ऐसे करिए, आंखों पे फेरिए। प्राणायाम के क्रम में इतना रहने देते हैं अभी। अब सूक्ष्म व्यायाम के लिए थोड़े आप खड़े हो जाइए, पास आइए, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज। कोहनी सीधी बिल्कुल, हाँ, एकदम सीधी कोहनी रख के घुमाना है। कंधे पे पीछे की ओर से आगे तरफ गिनते रहिए, उतना ही कर रहे हैं दोनों साइड। झटका नहीं देना है, आराम आराम करिए।
अब यहाँ हाथ रखिए, इधर कमर में हाथ रखिए। यस सर। धीरे धीरे आपको पैर लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए पीछे की ओर देखने की कोशिश करना है, ठीक है? आपका शरीर ऐसे सीधा रहेगा लेकिन हल्का सा आपको पीछे की तरफ देखने की कोशिश करना है। करिए, सामने भी धीरे से ही आ रहे हैं, जिस गति से आपको पीछे जाना है उसी गति से आना है, झटका नहीं। सामने आइए, फिर से पीछे की तरफ मुड़िए। अच्छा लग रहा है? मुस्कुराइए, करिए। दिव्यांश करो ना, ऐसे सीधे अच्छे से करो, अच्छे से है ना। अरे मजा आएगा आपको, ये तो आपकी कलाई है ना, फ्री हो जाएगा। करो, करते रहो, अच्छे से करो, अच्छे से। हाँ तो कर लो, अच्छी बात है, करते रहो। बढ़िया लगा है।
वज्रासन करेंगे हम, उसके लिए धीरे से लेफ्ट पहले बाएं कान की पीछे की तरफ ले जाइए, फिर दाहिने आराम से पीछे बैठ जाइए, आराम से सरल आसन है, इसमें एक घंटे तक बैठ सकते हैं ना, हाँ खाना खाने के बाद बैठिएगा 5-10 मिनट अपने घर में बैठे रहिए, श्वास लीजिए लंबी गहरी, उष्ट्रासन करेंगे इसीलिए अर्ध उष्ट्रासन, उसके लिए आप यही रहेगा पोजीशन, थोड़ा सा ऊपर उठना होगा, उठिए ऐसे बन रहा है बहुत अच्छा, वज्रासन हो जाएगी फिर से सामान्य पहले सुन लीजिए,
जी पूरा बाहर निकालना है आपको, कैसे देखेंगे? Good morning, dear children and my friends. So, have you enjoyed? Good, good, good. Your response is showing that really you have enjoyed it. See, as you know, we are here in between our teaching learning period, your academics, for yoga. It is celebrated as International Day of Yoga. International Day of Yoga. It is yoga, but we are not using that English, then we are saying yoga. So yoga. हिंदी में आपने पढ़ा है योग, योग मैथमेटिक्स में भी योग है। योग का मतलब होता है जोड़ना, एंड यू हैव टू ऐड टू आर मोर थिंग्स देन यू कॉल इट इज जोड़, योग, सम, एडिशन। सो दिस योग विच वन इज कॉल्ड यू योगा, इट इज जस्ट लाइक इट इज योग, एक्चुअल इट्स नेम इज योग। You are performing when yoga, you say that it is yoga. It means it is not only the exercise. When you perform, you are performing or you perform yoga, it means you are adding something. और आपको पता है जब कोई भी चीज आप add करते हैं तो result क्या मिलता है? दो अलग चीजें जो होती हैं उनका जो रिजल्ट है, जब दोनों को ऐड कर देंगे तो उनका रिजल्ट क्या होगा? उन दोनों से ज्यादा होगा। एम आई राइट? इफ इट इज नॉन नेगेटिव एंड जीरो एक्सेल, दो पॉजिटिव नंबर्स को आप ऐड करेंगे जो तो तीसरी नंबर मिलेगी वो उन दोनों से ज्यादा होगी। मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ना एडिशन सम, एंड हियर यू आर परफॉर्मिंग योगा, इट मींस यू आर एडिंग सम पॉजिटिव एनर्जी। यू ऑलरेडी हैव पॉजिटिव एनर्जी, ए लॉट ऑफ पोटेंशियल, एंड यू आर एडिंग समथिंग मोर। इट मींस आफ्टर योगा, आफ्टर परफॉर्मिंग योग, यू विल हैव more energy, you will be more energetic, your potential will increase, physical level, physical potential, mental potential, you feel fresh, like you have blocked, हंसे हो आपको? अभी सबने हंसाया, हंसने के बाद कैसा फील होता है आपको, या किसी को भी, मुझे भी?
हंसने के बाद हम थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं, am I right? Yes, sir. और जब आप रिलैक्स फील करेंगे तो आपकी थिंकिंग स्किल ज्यादा काम करेगी, आप अच्छा सोच सकते हैं। और एक स्टूडेंट के लिए चाहिए क्या? एक गुड थिंकिंग स्किल, गुड रीजनिंग, गुड लॉजिक। और वो मिल हमको मिलती कहां से? डिफरेंट सोर्सेस हैं एंड योगा इज वन ऑफ देम। सो इट डजंट मींस दैट द होल वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग टुडे एज योगा डे। इट डजंट मीन ओनली द फिजिकल एक्सरसाइज आर एक्सरसाइज ओनली आर मूवमेंट ऑफ योर बॉडी पार्ट। We have a lot of work, lot of activities in which we move our body parts. But yoga has its own importance. It's give you mental peace. Okay, students, इसे आप एक स्कूल एक्टिविटीज तक सीमित न रखें कि आज योगा डे है तो स्कूल में योगा कराया गया। इसको आप अपने डेली रूटीन में लाने की कोशिश करें। इट इज नॉट नेसेसरी यू स्पेंड हाफ एन आवर और वन आवर, यू मे स्पेंड 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 1 मिनट। इट डजंट मीन यू हैव टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज, सिंपली यू डू विच वन यू कैन, लाइक लोम विलोम, कपाल भारती एंड भ्रामरी। हार्डली 1 or 2 मिनट्स, ऑल 3 एक्टिविटीज विल टेक टाइम। सो इन द मॉर्निंग आफ्टर गेटिंग फ्रेश यू, इट इज माई एडवाइज एंड रिक्वेस्ट टू यू ऑल, यू ट्राई टू पे 2 to 3 मिनट्स टाइम, नॉट मच मोर, 2 to 3 minutes time in daily routine to perform such simple activities like pranayam, lom vilom and bhram. Okay, within a week or 15 days fortnight you feel yourself, what changes are there in your thinking, in your body posture and health too. Okay, so please try to give some times and on this occasion I would like to extend my thanks to team of teachers, those have taken pain to perform such great day, out of which 3 teachers, Mr. D.K. Pandey, Mr. Alek and Madam Poonam, already they have performed another program in the early morning and after that program they came here. Teachers are also arranging the arrangement. So on behalf of DAB family, I would like to extend all that have cooperated in directly or indirectly. I would like to extend my thanks to you all too, means students. You have performed well, seated here, little bit in during your yoga. Sunny time was also there, but you had performed your yoga, so thank you you all. But you try to take it in the daily routine. After this, Neeraj, you sit here for 2 or 3 minutes. Take just after. Thank you.
ठीक है, अभी आप लोगों ने परफॉर्म किया, कुछ भूख भी लग गई है क्या? लेकिन योगा के 15 मिनट बाद तक बहुत हैवी चीज़ें कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ठीक। अभी अगर आपको भूख लगी होगी तो अभी आपको बिल्कुल लाइट थिंग्स दे रहे हैं, बिस्किट खिला रहे हैं, आप बिस्किट खाइए, इसके बाद अपनी क्लास में जाइए और रेस्ट ऑफ द पीरियड्स जो भी हैं एज पर द शेड्यूल यू हैव टू गो थ्रू योर शेड्यूल।